नहर की जमीन को भू माफिया से कब्जा मुक्त कराने के संबंध में ग्राम बरखेड़ा बसंतपुर और दयानाथ के प्रधान ग्राम वासियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और जमीन को भू माफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की बात कही। जनपद मुरादाबाद के ग्राम बरखेड़ा बसंतपुर दयानाथपुर के प्रधान राम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में ग्राम वासियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए नहर की जमीन को भू माफियाओं से कब्जा मुक्त कराने के संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि नहर विभाग की जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। इसके संदर्भ में 3 माह पहले सभी अधिकारियों को तहसील दिवस में अवगत करा दिया गया था, किंतु आज तक उस पर किसी भी अधिकारी ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। एक दिन पथरोल अमीन व जिलेदार गए और जमीन नापी तो ज्ञात हुआ कि उनके खेत में 8 मीटर चौड़ी और 224 मीटर लंबी जमीन है। जैसा कि नहर विभाग वाले बता रहे थे, अधिकारियों ने संबंधित लोगों से जमीन खाली कराने के लिए लिखित में 10 दिन का समय मांगा था, किंतु आज तक वह जमीन खाली नहीं हो पाई। कब्जा किए हुए लोगों ने नहर की जमीन व आसपास के क्षेत्र में गन्ने की खेती अवैध रूप से कर रखी है, जिससे 20 गांव का रास्ता बंद है, जिसकी वजह से ग्राम वासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किए गए लोगों से मुक्त कराया जाए और मामले की उच्चतम जाँच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैं आपका भाई बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह। सर, आज काफ़ी लोग कमिश्नर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, क्या समस्या है उनकी? देखिए, ग्राम दयानाथपुर ये मौजूदा प्रधान राम सिंह टीटी साहब हैं और ये समस्त ग्रामवासी ये अपने गांव से होकर सर्व समाज के लिए एक रास्ता होकर गुजरता है, जिस पर हिटों के हिसाब से गारा हो जाता है। आने वाली बरसात में प्रधान जी ने उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और बनाने के लिए सब लोग तैयार हैं और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व ने रास्ता रोक दिया और वो उस रास्ते को बनने नहीं दे रहे हैं। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं से अपील करूँगा, प्रशासन से अपील करूँगा कि इसमें सख्त कार्रवाई करें और उस रास्ते को बनाने के लिए आप सभी को आदेश दें। सर, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं ग्रामीणों को? ग्रामीणों को ये दिक्कत आ रही है, आने वाला समय बरसात का है, हर बार वहाँ घुटनों घुटनों गारा हो जाता है। आज भी वहाँ गारा है, इतने सूखे में भी पूरा गांव ये चाहता है कि वो गारा ख़त्म हो, वहाँ से नालियों का निकास हो, पानी वहाँ से निकले और सब समाज को फायदा हो, ना कि एक समाज को। आज हमारा सभी जाट ऑफ समाज यहाँ मौजूद है, वो अपने अकेले गाँव की समस्या के लिए नहीं, उस गांव से होकर गुजर रहे अगले 10-20 गांवों के लिए वो इस कोशिश को कर रहा है।